इसी तरह मकरूज अफराद की बेवाओं की इमदाद के लिए वज़ीरे आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पिछले दो अदवार के बजट 1999-2000 और 2017-18 में स्कीम्स का हमने इजरा किया था। माली साल 2023-24 के हवाले से ऐसी ही स्कीम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के लिए मुतारफ की जा रही है। बिल्कुल सिंपल है, स्कीम की डिटेल अवेलेबल है। उसके तहत इन बेवाओं के 10 लाख तक के जो बकाया जात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेंगे। बहुत सामग्री हो गया भाई, जनाब स्पीकर, जो हमारी नेशनल सेविंग स्कीम्स है, आपको पता है कि शोहदा उनके बच्चों फैमिलीज के लिए एक शोहदा अकाउंट के नाम से एक डिपॉजिट है। एक्चुअली इसमें एक स्पेशल मुनाफा मिलता है, बेहतर देन एवरेज मुनाफा जो होता है। इसकी जो हद है कि इसमें 50 लाख से ज्यादा उनकी फैमिली जो है वो शोहदा के इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, उस 50 लाख की हद को बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया जा रहा है। और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं वो कई इधर उधर भी आप देखेंगे, अभी भी आपको मिलेंगे आपके साथी जो पिछले कई सालों से पेंशनर्स हैं, उनके लिए एक बहबूद सर्टिफिकेट स्कीम जो होती है उसका इजरा किया गया मुद्दतों पहले। उसमें भी उसी यानी शोहदा अकाउंट की तरह उसमें भी जो डिपॉजिट कराने की हद है, क्योंकि अगेन उसमें स्पेशल मुनाफा मिलता है, ज्यादा मिलता है, 50 लाख रुपए थी, इसको भी बढ़ा के 75 लाख रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, इससे पहले कि मैं अपनी बजट तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं इस अमर का इरादा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गयूर और रोशन ख्याल अवाम इस हकीकत से पूरी तरह रोशनास हो चुके हैं कि उनका असल दोस्त और खैर का कौन है और मुल्क और कौम का दुश्मन और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार कौन है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब और अब बतौर वज़ीर आला पाकिस्तान भरपूर तरीके से खलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत की। मौजूदा मखलूक हुकूमत ने 14 माह के क्लीर अरसा में शदीद माली मुश्किलात और साजिशों के बावजूद अवाम दोस्त इकदाम उठाए हैं और मुल्क को सही मानों में डिफॉल्ट से बचाकर, क्राइसिस से निकालकर इस्तेकाम यानी स्टेबिलिटी की राह पर ले आए हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने माजी में भी मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला और अब भी अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोशिश है। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं कि आपने मेरी